देव क्लासेस स्पेशल में आप सभी छात्र छात्राओं का हार्दिक स्वागत है। देव क्लासेस स्पेशल के माध्यम से आप कक्षा 9वीं से लेकर 12वीं तक की सभी क्लासों की निःशुल्क स्टडी कर सकते हैं। और हमारा एक उद्देश्य है फ्री शिक्षा सबको शिक्षा। हम बिना कोचिंग के भी, मतलब यदि आप ऑफलाइन कोचिंग नहीं पढ़ते हैं तो भी हम 100% आपके सफलता की गारंटी लेते हैं। और एक बहुत खुशखबरी की बात है कि पूरे उत्तर प्रदेश के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क ई बुक्स या ई नोट्स आप समझ सकते हैं, ई नोट्स हम आपको प्रोवाइड करेंगे जिसमें से आप घर बैठे तैयारी कर सकें। और कोरोना महामारी के दौरान पर हमारा एक ही स्लोगन है, घर में रहें और सुरक्षित रहें। आप बाहर की ओर ना ध्यान देते हुए घर पर रहकर आप ऑनलाइन स्टडी करें हमारे चैनल के माध्यम से और अच्छे अंक प्राप्त करें। तो आज का हमारा टॉपिक है स्टोरी, और देखते हैं आज हम कौन सी स्टोरी बनाने जा रहे हैं। हम स्टोरी में एक एक शब्दों को आपको बताएंगे। हमारा प्रयास रहेगा कि स्टोरी आपको तुरंत का तुरंत हम सिखा सके। हमारा एक ही उद्देश्य है अपने इस क्लास में कि जो भी हम आपको दें हम उसी समय आपको पूरी तरह सिखा दें। तो सभी बच्चे ध्यान से पूरा वीडियो देखिएगा ताकि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो सकें, और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए ताकि अधिक से अधिक बच्चे हमारे इस टॉपिक का बेनिफिट ले सकें और अपने कोर्स की बहुत सारी तैयारी भी कर सकें। देखिए, सबसे पहला वाक्य आपका जून का महीना था। जून का महीना था तो ये वाक्य आपका मौसम संबंधी वाक्य है, और मौसम संबंधी वाक्यों की शुरुआत हम इट से करते हैं। किससे करते हैं? इट से करते हैं। तो ये बनेगा इट वाज द मंथ ऑफ जून। जून का महीना था, इट वाज द मंथ ऑफ जून। देखिए, ये प्रयोगों का वाक्य है, इट का भी प्रयोग है और इसमें वाज वेयर का भी प्रयोग है। यहाँ पर इट के साथ हम वाज का प्रयोग करेंगे तो बनेगा इट वाज द मंथ ऑफ जून। अगला है इसी में, गर्मी अपने चरम पर थी। चरम का मतलब सबसे ऊपरी सीमा पर थी, कह सकते हैं बहुत अधिक थी। तो ये कैसे बनेगा? गर्मी अपने चरम पर थी, कौन था अपने चरम पर, कौन लगाने से जो शब्द आ जाए तो वो आपका कर्ता होता है। गर्मी, गर्मी के लिए हम करेंगे हीट। हीट वाज इट्स, इट्स होती है अपने के अंग्रेजी, और एक्सट्रीम ई एक्स टी आर ई एम ई, हीट वाज इट्स एक्सट्रीम। हीट माने होता है गर्मी, वाज माने थी, इट्स एक्सट्रीम का मतलब अपने चरम सीमा पर थी। दो वाक्य आपको पूरी तरह समझ में आए होंगे। तीसरा देखते हैं, सुबह से लेकर शाम तक। कब से लेकर कब तक? सुबह से लेकर शाम तक गर्म हवाएं चलती थी। कौन चलती थी? ध्यान दीजिएगा, कौन लगाने से जो शब्द मिल जाए वही आपका कर्ता होता है। कौन चलती थी इसमें? इसमें चलती थी आपकी गर्म हवाएं, ये आपका कर्ता बनेगा। गर्म हवाएं सबसे पहले लिखेंगे हम, तो गर्म का हो जाएगा आपका हॉट, और हवाएं का हो जाएगा विंड्स, डब्ल्यू आई एन डी एस, हॉट विंड्स। वेयर यूज्ड टू ब्लो फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग। समझिएगा आप इसको, कौन चलती थी? गर्म हवाएं, और बहुत सी हवाएं हैं इसलिए हमने लगाया वेयर। यूज्ड टू ब्लो माने, ब्लो माने होता है बहना या चलना, एक ही बात होती है, क्योंकि हवा कभी चल नहीं सकती, ये बह सकती है। तो यूज टू ब्लो माने चलती थी, फ्रॉम माने के लिए, मॉर्निंग टू इवनिंग माने सुबह से शाम तक। तो गर्म हवाएं कब से कब तक चलती थी? सुबह से लेकर शाम तक चलती थी, फुल स्टॉप। इसके बाद है, प्रत्येक व्यक्ति प्रातःकाल जल्दी से जल्दी अपने काम को समाप्त कर लेना चाहता था। ये थोड़ा सा वाक्य आपका बड़ा है। प्रत्येक व्यक्ति, कौन समाप्त कर लेना चाहता था? प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक व्यक्ति के लिए होता है एवरी बॉडी, एवरी
body. Wanted to finish. Wanted to finish. Wanted to finish. क्या फिनिश करना चाहता था? His routine work. R O U T I N E. Routine day work. फिर से देखिएगा इसी को. प्रत्येक व्यक्ति प्रातः जल्दी से जल्दी अपने काम को समाप्त कर लेना चाहता था. कौन समाप्त कर लेना चाहता था? प्रत्येक व्यक्ति के लिए हो गया एवरीबॉडी. वांटेड माने चाहता था, टू फिनिश माने समाप्त करना. हिज रूटीन डे वर्क मतलब अपने दिन के कार्यों को कैसे समाप्त कर लेना चाहता था. एट द अर्लीस्ट, अर्लीस्ट माने होता जर्ली, ई ए आर एल आई ई एस टी, अर्लीस्ट इन द मॉर्निंग. देखिएगा आप इसे शुरू से. जून का महीना था, मौसम संबंधी वाक्य है इसलिए हमने इट का प्रयोग करेंगे. इट वाज द मंथ ऑफ जून. गर्मी अपने चरम पर थी, तो कौन थी अपने चरम पर? गर्मी, गर्मी की हो जाएगी आपकी हीट. हीट वाज इट्स एक्सट्रीम, एक्सट्रीम माने आपकी भाप भी होती है लेकिन यहाँ पर चरम की बात हो रही है. अगला है सुबह से लेकर शाम तक गर्म हवाएं चलती थी. कौन चलती थी यहाँ पर? गर्म हवाएं. यहाँ पर हमने लिखा हॉट विंड्स. Hot winds were used to blow. Were used to blow. Used to blow का मतलब होता है बहती थी या चलती थी. From morning to evening. सुबह से लेकर शाम तक. प्रातः जल्दी से जल्दी. प्रत्येक व्यक्ति प्रातः जल्दी से जल्दी अपने दिन के काम को समाप्त कर लेना चाहता था. Everybody माने प्रत्येक व्यक्ति. Wanted माने चाहता था. To finish माने समाप्त करना. His routine day work मतलब अपने दिन के कार्यों को. At the earliest माने जल्दी से जल्दी. इन द मॉर्निंग माने सुबह के समय. प्रत्येक व्यक्ति सुबह के समय या प्रातः जल्दी से जल्दी अपने दिन के कामों को समाप्त कर लेना चाहता था. उम्मीद करते हैं सभी बच्चों को स्टोरी पसंद आई होगी. अगर स्टोरी आपको पसंद आई है तो एक बार वीडियो को लाइक करें, अपने सभी दोस्तों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें. और आप स्टोरी के बाद कमेंट बॉक्स में ये भी बताएं कि आप अपनी तरफ से किस स्टोरी को चाहते हैं जिसे आप नहीं बना पा रहे हैं. हमारा प्रयास रहेगा कि हम उस स्टोरी को भी अगली वीडियो में आपको देने का प्रयास करेंगे, क्योंकि आपकी बेहतर शिक्षा के लिए हम जो भी कर सकते हैं हम वो सब चीज़ें करेंगे. यदि आपको भी कोई स्टोरी चाहिए हो जो आपसे नहीं बन पा रही है तो आप वो बताइए, उसको हम देंगे. हमारी अगली स्टोरी है, इसे आप अगली वीडियो में देखेंगे. लाल बहादुर शास्त्री भारत के सच्चे महान पुरुषों में से एक थे. वे सही अर्थों में एक सच्चे देशभक्त थे. वे सादा जीवन, उच्च विचार में विश्वास रखते थे. वे शांत प्रिय थे. इस स्टोरी को आप अगले वीडियो में देखेंगे. तो आज का वीडियो हम यही समाप्त करते हैं. मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में. तब तक के लिए जय हिंद.